काम पर गई है। कब तक आएंगे? शाम को 6 बजे बच्चे आएंगे ट्यूशन के, क्लास होती है उनकी, तब तक आ ही जाएगी। तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, इनटू इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे इन दोनों को इनटू कर देंगे, ठीक है? समझ गए? यस यस मैम, यस मैम। हाँ, मैं ऐसा ही सेम टू सेम एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, सब इसको सॉल्व करेंगे, और जो भी इसको सबसे पहले सॉल्व करेगा उसके लिए चलो तुम लोग करो, मैं आती हूँ। देख नहीं पाता है, उसे दोस्ती करनी है तो पास जाना होगा। और कैसे चल रहा है सर? सब बढ़िया। कितने दिन के लिए आई? सैटरडे संडे, मंडे को वापस। तू जितने दिन चाहे यहाँ रुक सकती है। ये सब क्या खा रही है? ये है ना रोटी सब्जी सब। आई एम प्रेग्नेंट। मैं जानती हूँ तू भाषा नहीं चाहती। आई एम गेटिंग एन अबॉर्शन। ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। कौन? फर्क पड़ता है क्या? आप मेरी बात सुनो। 60। चल चेक करते हैं। मैंने किसी को कहते सुना था कि आपकी लाइफ वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसा आप सोचते हो। इस एज तक मैं ये बन जाऊंगा, इस साल तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कब क्या कैसे आपको कहां फेंक देता है और आप अपनी सोची हुई जगह से किस डायरेक्शन में कितना दूर जाकर गिरते हो, खुद को सरप्राइज कर देते हो।
not always a good surprise. चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, और मंडे को सब होमवर्क करके आना, मैं देखूंगी। और वही लोग जाना जिनके पेरेंट्स आए हैं, तुम जाओ, ठीक है? और कोई कुछ भूलना मत। क्षितिज, तुम्हारी बॉटल कहाँ है? रुको मैं लाती हूँ। आप इग्नोर कर रहे हो मुझे, तो और क्या करूं? तो ढूंढ ली तूने ये जगह? पूरे घर में मेरी भी फेवरेट जगह है। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे बात नहीं करनी उस बारे। अच्छा तो बता, तुझे किस बारे में बात करने की इच्छा है? इस घर के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बताया तो था क्या? बताया था, फोटो भी भेजी थी, पर तूने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया। अच्छा पूछ, क्या पूछना चाहिए? काफी अच्छा घर है, काफी खूबसूरत जगह पर, और ये हाईवे तो यहाँ बैठे बैठे कब शाम से रात हो जाती पता ही नहीं चलता। कब खरीदा? तेरे जाने के एक साल बाद, यानी 3 साल से रह रहे हैं। आपसे ज्यादा खुश तो कोई होगा ही नहीं। कितना चिढ़ते थे आप उस अपार्टमेंट से। हाँ। पर सीरियसली, प्राउड होना चाहिए आपको, अचीवमेंट है ये। आपने अकेले इतना कुछ। अकेले नहीं, पता है मुझे, कुछ नहीं किया होगा उन्होंने, बस वहां से कुर्सी उठाकर यहाँ बैठने आ गए। अच्छा एक बात, जब से तू आई है एक बार भी बात की उनसे? किया ना। क्या पूछा कि आप कहाँ हो? अच्छा चल, नीचे खाना तैयार है। रहता कहाँ है तू और यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? और कुछ सवाल है तो वो भी पूछ लो। जवाब दे, रहता कहाँ है? वहाँ। तो यहाँ क्यों खड़ा है? वहाँ घर वाले देख लेंगे ना। यही खड़ा रहना तो मैं चली जाऊंगी तेरे घर। इससे क्या होगा? जाऊँ क्या, निकल यहाँ से, अब दिखना मत। वो तो दिखूंगा, गायब थोड़ी ना हो जाऊंगा। ये लड़का कौन है बाहर जो आसपास घूमता रहता है? कौन? जो पास में रहता है। अच्छा मैं समझ रही हूँ कि किसके बारे में बात कर रही है। तो दोस्त है वो आपका। बच्चा है ये, इतनी गंदगी क्यों हो रखी है बाहर? हाँ करवाना है, करवाएंगे। और घर में क्या हालत बना रखी है? बहुत काम है उसके पास।
और आप? जो उन्होंने मुझे बताया। आपके पास तो कोई काम नहीं है, आप क्यों नहीं करते हो कुछ? जब गई थी तब भी ऐसे ही बैठे रहते थे और आई हूँ तब भी ऐसे ही दिखते हो। वो आ मेरे साथ। ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? किसी के घर में घुसकर उसकी बेइज्जती करना। जैसे कुछ इज्जत बची हो उस आदमी की, आप उनको डिफेंड क्यों करती हो? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में शांति बनी रहे। तुझे उनसे बात नहीं करनी ना तो मत कर, लेकिन तू उनके पीछे नहीं पड़ सकती। उन्होंने हम दोनों को आज इस घर में बहुत पुरानी हो चुकी है, तू बस इतना समझ ले कि वो भी यहीं रहते हैं और इस घर में उनका भी उतना ही हक है जितना तेरा। ओ, उनका हक, मेरे हक का क्या? मुझे जवाब नहीं मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी भी बात का किसी को भी जवाब देने की जरूरत है। बात जब इतनी पुरानी हो जाए ना तो जवाब मांगना छोड़ देना चाहिए। आपको याद नहीं क्या कुछ भी? मुझे सब कुछ याद है, पर तू शांत हो जा। मुझे पता है तेरे लिए माफ करना बहुत मुश्किल है, जब सब कुछ हुआ तू बहुत छोटी थी। आप कैसे बोल सकती हो ये सब? आपने तो मुझसे ज्यादा झेला है, आपको भी ऐसे ही छोड़ दिया था, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, वहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे सब कुछ बर्बाद होते देखते रहे। और तूने क्या किया? भाग गई? अरे तूने भी वही किया जो उन्होंने किया, बल्कि तू तो एक कदम आगे निकली। इतना सब होने के बावजूद वो थे तो यहीं मेरे सामने दिखाई तो देते थे, और तू पहला मौका हाथ में आते से ही निकल गई और शक्ल तक नहीं दिखाई 4 साल तक। तो भी वही है उनके साथ। मैंने कहीं पढ़ा था लोग हमेशा से एक दूसरे को डिसअपॉइंट करते आए हैं और लोग हमेशा एक दूसरे को डिसअपॉइंट करते ही रहेंगे। ये बात आज या कल कभी ना कभी हर किसी के लिए सच हो ही जाती है। आई डोंट नो व्हाट आई फील अबाउट दिस स्टेटमेंट। ये तूने किया है ना? सच बोलू या झूठ? नहीं नहीं, ये मैंने तो किया ही नहीं है। क्या ये काला काला? अरे हाँ, यहाँ पर मेरा दोस्त खड़ा रहता है, वो ही करता है। मैं उसको बुला के लाता हूँ, आप उससे। चलो। बोला ना मैंने नहीं किया। चलो चलो जा। कितने साल का है तू? मैं 18 साल का। 14। अगली बार ये दीवार पे निशान दिखा ना, घर से घसीट कर लाऊंगी और साफ करवाऊंगी। दीवार ही तो है। घर है किसी का? घर ही तो है। लो, हो गया। और कुछ? कर दी ना मैंने पूछा। ये सब दोस्त है तेरे? अभी जाऊंगा ना, सब पूछेंगे क्यों बुलाया था, क्या बात करी, क्यों आज तो दिल दे चुके हैं आपको, तो फिर क्या बोलूं उनको? मतलब क्या है अपने बीच, बार बार बात करने के बहाने क्यों ढूंढती हो? इधर आ, इधर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इधर आ।
मुझे नहीं लगता था आप ऐसा सोचते हो। पर उस समय मेरे सामने इतना कुछ था, अगर मैं रुक जाती ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे पता है मेरा ऐसा सोचना गलत है, और अगर तू जाना चाहती थी तो ये तेरा डिसीजन था। पर पता है इनके ऐसा होने पर मैं इतना गुस्सा नहीं थी जितना तेरे चले जाने से थी। और इतने सालों से मुझे लगता था कि इस पूरे मामले में हमारी सोच एक जैसी है। आपको याद है जब हम पुराने अपार्टमेंट में रहते थे और एक रात उन्होंने बिल्डिंग की छत से कूदने की कोशिश की थी, आपने उन्हें रोक लिया। मैं सोच रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। शायद इसीलिए कि आप नहीं चाहती थी कि सबके सामने आपका तमाशा बने। पर मुझे लगता था कि अगर उनकी कूदने की इच्छा थी तो उन्हें कूदने देना चाहिए था। उनकी भी इच्छा थी और हम भी खुश नहीं थे। हाँ, तमाशा बनता पर हम आगे तो बढ़ते। फिर उसके बाद आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब पूरे दिन घर में मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर जाने लगे। तब मैं एक्साइटेड भी रहती थी और डरी हुई भी। एक्साइटेड इसीलिए कि अगर अब की बार उन्होंने कोशिश की तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और डरी हुई इसीलिए कि अगर वैसा कुछ हुआ तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तू अभी तक इतनी नफरत नहीं भूल रही है। हम दोनों की लाइफ डिपेंड करती थी उन पर, और उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि जो कुछ हुआ है उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत हमें है उनकी। पर वो बस बैठ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने हमें धोखा दिया जब वो बिना किसी खरोच के निकल आए और हमें बचा। उन्होंने हमें धोखा दिया जब घर वापस आने के बाद वो आपको हॉस्पिटल नहीं ले गए या पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, जब मुझे स्कूल से निकाल दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया, जब मकान मालिक ने सामान हमारा सारा सड़क पर फेंक दिया। और इन सब में सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि वो ऐसे हो गए। क्योंकि इन सब में अगर वैसा होने का किसी को हक था ना तो वो आपका था। और उनके साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, जो कुछ भी हुआ था आपके साथ हुआ था। पर नहीं, आप खड़ी रही और वो ऐसे बन गए क्योंकि तूने मुझे बचा लिया। इस घटना के बाद मैंने उनको देखा, तुझे देखा और डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने क्यों नहीं आपकी तरफ फिर मेरी तरफ देखा और डिसाइड किया? उन्हें लगा कि कितना भी बच के चले, कितना भी संभल के चले, चार आदमी 10 मिनट में सब कुछ छीन सकती है, और एक आदमी का बस यूं ही खड़े होकर देखना कुछ ना कर पाना। उन्हें फर्क पड़ता था। आप दोनों की बात होती है? ज्यादा नहीं, ये सिर्फ जवाब देते हैं और मेरे पास पूछने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ऑफिस जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, यहाँ आकर बैठती हूँ और वो अपनी कुर्सी पर। तेरी इच्छा हुई क्या? तूने कहा था ना कि जब तेरी इच्छा होगी तब तू बात करेगी। मैंने बता दिया,
आपको जो भी जानना था कि मैंने क्या डिसीजन लिया और क्या सिचुएशन है। जब सब डिसाइड कर ही लिया तो कर लेती वही जो तू करना चाहती है, बताती भी नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 20 साल बाद कोई मेरी तरफ देखे और बोले कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मैं उसकी तरफ देखूं और बोलूं कि इसकी वजह से मैं वो सब कुछ नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। पर मेरी एक बात मानेगी? हाँ जी, बोल क्या रही तू? सुनाई नहीं दिया? तूने शादी कर ली? तो क्या ये मजाक है क्या? और ऐसा है तो फिर ये सब तू मुझे बता भी क्यों रही है? मारेगी क्या मुझे? सुनो, शांत हो जाओ। मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए तो बता दिया। वैसे भी कल शाम को मैं चली जाऊं। तुम्हें पता था इस सब के बारे में? हाँ, पर इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। दो दिन के हिसाब से बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। क्यों बे, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हाथ दिखा तेरे। बोला ना कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों खड़ा है? मेरी इच्छा, वैसे भी आपका घर इस दीवार के अंदर है और दीवार भी साफ है। तनी क्यों जान खा रहे हो? ए, इधर देख तो, इधर देख मेरी तरफ। क्या दिक्कत है? मम्मी ने मारा, पापा ने, मार्क्स कम आए, इंडिया क्रिकेट में हार गया। मतलब तू नहीं बताएगा, बस गाय की तरह सिर हिलाएगा। चल अंदर आ, नींबू पानी पिलाती हूँ। एक बात पूछूं? तीन साल से देख रहा हूँ, अंकल आंटी तो अकेले रहते थे, आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा क्यों? मैं चली गई थी। कहाँ? घर छोड़ के, 4 साल के लिए। 4 साल के लिए? क्यों? मेरी बनती नहीं थी। ऐसे तो किसी की भी नहीं बनती। वो विनय, उसके घर से रोज चिल्लाने की आवाज आती है, कभी बंदी नहीं होती। और वो शैम्पू, रोज चरस गांजा पीकर बैठा रहता है। उसके पापा मना करते हैं तो वो अपने पापा को ही मारने लग जाता है। और तू क्या करता है? मैं स्कूल जाता हूँ, फिर स्टेशनरी पे काम करता हूँ, और आज संडे था इसलिए पतंग उड़ाया था। और वो कोने में दीवार पे सिगरेट साफ कर तो थी, और वाइटनर की बॉटल स्टेशनरी से चुरा के लाता है ना। क्यों करता है ये? मैं नहीं करता, मुझे तो उन लड़कों ने बताया, वही बोलते हैं मुझे बार बार लाने के लिए। और अगर नहीं लाए तो? अभी तक मना नहीं करता। तू डरता है उनसे? सुन, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उनको मुंह पे बोलना कि अगली बार से नहीं लाऊंगा। और अगर? कुछ अगर वगर नहीं, बोल मना करेगा? पक्का? हाँ, अब जाने दो ना मुझे। कमाल कर दिया। बस कब की है? 4 की। मैं हाफ डे लेकर आती हूँ। अच्छा सुन, कुछ बच्चे ना जल्दी आ जाते हैं, उन पे नजर रखना, रोज तो ये रहते हैं।
इतना जल्दी क्यों आ जाते हो तुम तीनों? मम्मी पापा शाम को घर आते हैं। मैंने भी। हाँ, मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है। मेरा 4 किलोमीटर दूर है। हाँ। घर जाकर वापस आना भारी पड़ता है, नींद भी आती है। हाँ। ट्यूशन रास्ते में ही है, यहीं उतर जाते हैं। पर रोज तो अंकल रहते हैं, आज कहाँ है? क्यों रे, तेरी हिम्मत तो बढ़ती जा रही है। पहले दीवार कूद रहा था, अब दरवाजे तक आ गया है। यार इंसान से क्या क्या करवाता है ना। चुप कर, पता क्यों आया है? वो मैं बताने आया था कि मैंने दुकान का काम छोड़ दिया है, और अब मैं उनको भी बोल दूंगा कि मुझसे अब कुछ नहीं मांगा है, मैं नहीं ला कर दूंगा। अरे वाह, वेरी गुड। मुझे वो एक और बात बोलनी थी, वो सॉरी। क्यों? वो दीवार गंदी करने के लिए। सबको कर दी थी तूने। ये भी कर दूंगा। थैंक यू। किसी ने एक बार मुझसे पूछा, वो कौन सी बात है जो मैं हमेशा खुद पर बोझ की तरह लेकर चलती हूँ। वो कुछ भी हो सकती है, कोई सिचुएशन, इंसिडेंट या मेमोरी। और उससे जो सबक मैंने सीखा, वो मेरे मन पर इतना भारी है कि मेरे हर इम्पॉर्टेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है। फिर उसने मुझसे कहा कि उस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और फिर से डिसीजन लो। I couldn't.